पूंजीपति उद्योगपति जो आपके मित्रों हैं, जिनको हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं मेहुल भाई, वो मेहुल भाई 20,000 करोड़ रुपए लेके हिंदुस्तान से भाग जाते हैं, 2900 करोड़ रुपए ललित मोदी लेके भाग जाते हैं, 6,000 करोड़ रुपए नितिन संदेशरा लेके भाग जाते हैं, नीरव मोदी हिंदुस्तान से हजारों करोड़ लूट के भाग जाते हैं। तो मैंने तो इस प्रस्ताव दिया था और आज इस सदन में आपके माध्यम से माननीय मैं कह रहा हूं कि 50 करोड़ से ज्यादा जिस भी उद्योगपति या पूंजीपति का बकाया हो उसका पासपोर्ट जब्त कर लीजिए, वो हिंदुस्तान छोड़कर भागने नहीं पाएगा। अगर वो हिंदुस्तान छोड़कर भाग रहा है तो इसका मतलब लूट में कहीं ना कहीं हिस्सेदारी है। उसको भगाने का काम आप करते हैं, उसको भगाने का काम करते हैं। एक गरीब आदमी मान्यवर 10,000 रुपए का अगर कर्जा ले ले तो उसका कॉलर पकड़ के आप हवालात में बंद कर देते हैं। एक किसान अगर 20,000 का कर्जा ले ले उसका कॉलर पकड़ के आप उसको जेल में बंद कर देते हैं। लेकिन 20-20 हजार करोड़ रुपए, 10-10 हजार करोड़ रुपए विजय माल्या लेके भाग गया, आज तक वो हिंदुस्तान नहीं आ पा रहा है। तो ये पूंजीपतियों के साथ लूट और लूट के बाद उनको भगाने का जो धंधा चल रहा है, इसको रोकने का एकमात्र तरीका है 50 करोड़ से ज्यादा जो भी कर्जदार हैं उनके पासपोर्ट आप जब्त करने का काम कीजिए। मान्यवर, यहां बताया गया हमने ये कर दिया, हमने शिक्षा में ये किया, हमने स्वास्थ्य में ये किया। 130 करोड़ की आबादी वाले मुल्क का शिक्षा का बजट मात्र 2%, 130 करोड़ आबादी वाले मुल्क का स्वास्थ्य का बजट मात्र 2.3%। अभी एक खबर आई है मान्यवर, 1 अप्रैल से 800 दवाओं का दाम आप बढ़ाने जा रहे हैं। 800 दवाओं का 10.5%, 10.7%, 800 दवाओं का दाम आप बढ़ाने जा रहे हैं और उसमें तमाम दर्द की दवा है, पैरासिटामॉल जैसी दवा है। तो आप अशिक्षा से दर्द देते हैं, स्वास्थ्य की बदहाली से दर्द देते हैं, बेरोजगारी से दर्द देते हैं, किसानों को दर्द देते हैं, माताओं बहनों को दर्द देते हैं। अरे कम से कम दर्द की दवा तो सस्ती कर दो, दर्द की दवा भी महंगी करते जा रहे हो, दर्द भी देते हो, दर्द की दवा भी महंगी करते जा रहे हो। तो मान्यवर, मैं तो इनसे यह कहना चाहता हूं कि आपने नारा दिया है सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ लीजिए। अरविंद केजरीवाल ने अभी दिल्ली का बजट पेश किया, अरविंद केजरीवाल जी के बजट को देखिए, 22% शिक्षा पे खर्च किया, 13% स्वास्थ्य का बजट है, 13% का बजट। दिल्ली की सरकार मान्यवर जब आई थी तो 30,000 करोड़ का बजट था, आज 75,000 करोड़ का बजट दिल्ली की सरकार ने पेश किया, 2.5 गुना बजट बढ़ाने का काम किया। एक ईमानदार सरकार चला के दिखाई। अरविंद केजरीवाल जी को गाली गलौज करना छोड़ दो, इनकम टैक्स अफसर है, बुला के बैठा लिया करो, साथ में कुछ सिखा देंगे बजट कैसे बनता है, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे। और बिजली पे मान्यवर जिसपे सबसे ज्यादा हल्ला मचाते हैं लोग कि अरे दिल्ली वाले तो फ्री बिजली पा रहे हैं, फ्री बिजली पा रहे हैं, फ्री बिजली पा रहे हैं, बिजली का बजट मालूम है आपको, मात्र 4% बजट में दिल्ली की जनता को हम लोग 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करते हैं। सीखो कुछ अरविंद केजरीवाल से, सीख लो आप लोग। और आप लोग क्या करते हो, फिल्म के पोस्टर पे राजनीति कर रहे हो, फिल्म के पोस्टर पे राजनीति कर रहे हो। मैं तो मान्यवर इनके आपके जरिए इनके इनसे मांग करना चाहता हूं, कश्मीरी पंडितों के दर्द पर मजाक करना और राजनीतिक ड्रामा करना बंद कीजिए और इस बजट में प्रावधान कीजिए कि कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए कम से कम 20,000 करोड़ रुपए आपकी सरकार खर्च करेगी, प्रावधान कीजिए। और मैंने तो प्रस्ताव रखा था सारे सांसद अपने 1 साल की निधि कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए लगाएं। आप राजनीति कर रहे हैं और यहां विनय सहस्त्र बुद्धे साहब बैठे हुए हैं, आपकी भाषा सुनता हूं मैं बड़ा प्रभावित होता हूं सर आपसे, आपकी भाषा सुनकर मैं बड़ा प्रभावित होता हूं। आदरणीय शुक्ला जी बैठे, अरे थोड़ा ये भाषा, ऐसे बोलने की भाषा अपने नेताओं को सिखाइए। खत्म कर रहा हूं सर, हो गया। इनके प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी नहीं, ऐसे नहीं, यही संस्कार सीखते हैं आप लोग, वो गाली दे रहे हैं निर्वाचित मुख्यमंत्री को सर, निर्वाचित मुख्यमंत्री को गाली दे रहे हैं, यही संस्कार सिखाते हैं आप लोग। आरएसएस की शाखा में यही संस्कार सिखाया जाता है, 3 बार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री को गाली दी जा रही है सर, इनका प्रदेश अध्यक्ष गाली दे रहा है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं मान्यवर, मैं इसलिए कह रहा हूं, ये गाली गलौज करने वाले लोग हैं,
ये नफरत और झगड़ा फैलाने वाले लोग हैं, ये देश को काटने वाले लोग हैं। आज भारत हंगर इंडेक्स में 101 स्थान पे पहुंच गया, भूख के मामले में 101 स्थान पे आपने भारत को पहुंचा दिया। खत्म कर रहा हूं सर, खत्म कर रहा हूं। और हैप्पीनेस के इंडेक्स में 136 नंबर पे भारत को आपने पहुंचा दिया। किसी को खुश नहीं रखते आप, सारा वर्ग दुखी आपसे, किसान दुखी, नौजवान दुखी, माताएं बहनें दुखी, व्यापारी दुखी, पूरे हिंदुस्तान को आपने दुखी कर रखा है। क्योंकि आपकी सरकार गरीबों की सरकार नहीं है, नौजवानों की सरकार नहीं है, पूंजीपतियों की सरकार है। कॉर्पोरेट टैक्स आप खत्म करते कम करते हो, 25% से 22% कम नहीं करते। श्री सपन दास गुप्ता जी, प्लीज स्टार्ट। रूल 261 सेज, वन सेकेंड, या काइंडली सर, रूल 261